तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी यूपीएससी की तरफ से आया है, जिसमें कि आपको कंबाइंड सर्विस यानी कंबाइंड मेडिकल सर्विस के रिगार्डिंग ये आपका वैकेंसी है, जिसमें कि आपको पता होगा जैसे कि आपके मेडिकल ऑफिसर्स जो होते हैं, GMD होते हैं, जनरल मेडिकल ऑफिसर, और भी तमाम प्रकार के वैकेंसी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए जल्दी से कवर करते हैं सभी इस पर्टिकुलर वीडियोज़ को, और इसमें आपको तमाम जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए, तो और भी तमाम जानकारी यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की और बात करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है वो आपका 18/4/2023 से बिगिन किया जाएगा, और लास्ट डेट आपका जो होगा वो 9/5/2023 होगा, यानी लगभग आपके 20-25 दिन यहाँ पे आपको फॉर्म भरने को दिए जा रहे हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आपका है वो है आपका फ़ी का पेमेंट का लास्ट डेट, तो वो भी 9/5/2023 है। एग्जामिनेशन डेट 16/7/2023, और एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से लगभग 48 घंटा पहले आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल OBC EWS के लिए 200 रुपया फ़ी है, ठीक है, और ST SC और सभी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फ़ी नहीं है। इस फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट होगा वो आपका 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि मिनिमम एज नहीं रखा गया। मिनिमम एज नहीं रखने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पे डिग्री है वो आप अपीयरिंग भी है, या फिर आपका डिग्री कंप्लीट हो गया है, तब भी आप इस कंडीशन में इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज 32 ईयर रखा गया है, ठीक है, और कैंडिडेट्स जो कि 2/8/1991 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/1991 से पहले नहीं होगा, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यानी सॉरी आपका 2/8/2000 सही है, आपका इस पर्टिकुलर डेट से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, और बाद के बाद भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 1/8/2023 से उसके बाद आपका 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ एज रिलैक्सेशन मिलते हैं जो कि आपके गवर्नमेंट के नॉर्म्स के थ्रू है, वो आप भी जानते हैं और वो आप पढ़ भी सकते हैं, नोटिफिकेशन में हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके वेरियस पोस्ट के बारे में। तो मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें कि जनरल ड्यूटी है आपका सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विस में, जिसमें कि 584 पोस्ट है, और इन सभी तमाम पोस्ट, जैसे कि आपका एक पहला यह पोस्ट हो गया, दूसरा पोस्ट हो गया असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, डिविजनल मेडिकल ऑफिसर 300 पोस्ट, जनरल मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी ग्रेड 2 का ये एक पोस्ट हो गया, और एक नीचे भी है जनरल मेडिकल ऑफिसर आपका ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये भी आपका 376 पोस्ट है। इन तमाम पोस्ट जो है आपके चार पोस्ट, इन सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी के लिए सेम रखा गया है, जिसमें कि हमने बताया आपको कि पासिंग होना चाहिए, या फिर आपका पासिंग या फिर अपीयरिंग मेडिकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यदि आप पास भी हैं या फिर आप अपीयर हैं, अभी फाइनल ईयर में होंगे, तब भी आप इसको भर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सैलरी कितने दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अभी नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं, 28 पेज का टोटल है, आपको इतना पढ़ने का अभी खास जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, मोड ऑफ जो सिलेक्शन है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के जो नियम है वो आपके दो पार्ट में सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहेंगे। पहला पार्ट होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 500 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, और यह 500 मार्क्स आपके दो पेपर में बांट दिए जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। प्रत्येक पेपर के 250 मार्क्स होंगे, प्रत्येक पेपर के कितने 250 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन के आपके नंबर और उनके पेपर हो गए, ठीक है। इस पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या पूछे जाएंगे, उनके सिलेबस क्या होंगे, वो आपको हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो होगा वो पार्ट 2 का, जिसमें कि पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट को एक प्रकार से आप इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये आपका इंटरव्यू बेसिस होगा, ये 100 मार्क्स होगा। तो पहले आप जानते हैं कि इंटरव्यू में तो आपका जो नॉर्मल इंटरव्यू होता है उसी प्रकार से होंगे, और यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होंगे आपको उसमें क्या होगा। रिटन टेस्ट में दो पेपर होगा, हमने कहा है आपको पहला पेपर 250 मार्क्स और दूसरा पेपर भी 250 मार्क्स। पहले पेपर में जो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका सिलेबस क्या होगा, तो इसमें जनरल मेडिसिन एंड आपके पेडियाट्रिसिस के क्वेश्चन होंगे। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि 96 क्वेश्चन जनरल मेडिसिन से होंगे और 24 क्वेश्चन पेडियाट्रिसिस से होंगे, ठीक है। जिसमें कि सिलेबस जो होगा पेपर 1 का, इस सिलेबस में दो चीज़ होगा, पहले पेपर 1 में दो चीज़ होगा, पहला जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिसिस। तो जनरल मेडिसिन का सिलेबस क्या होगा, ये सब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टियल और जीनीटो यूनिटी, ये सभी आपने पढ़ा होगा पहले से, ये सभी हम तो मेडिकल से हैं नहीं, तो ये सभी चीज़ हमने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कार्डियोलॉजी आपका, रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सभी सब कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए वायरस, रिकेट्स, ये सभी क्या है, इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। फिर इसी प्रकार से नीचे क्या आपका मेडिसिन आपका ये है इमरजेंसी मेडिसिन में, इसमें आपका क्या है, ये सभी चीज़ इसी के साथ आ गया, मेडिसिन के साथ आ गया। अब यहाँ पे एक बच जाता है पेडियाट्रिसिस में, जिसमें कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसी और बेसिक न्यू बॉर्न केयर, ये सभी चीज़
है, यहाँ से आपका सिलेबस यहाँ तक है, क्योंकि आप इसको पढ़िएगा अगर आपने अपियरिंग हो रहे होंगे या फिर आप कंप्लीट कर लिए होंगे डिग्री को अपने, तभी आपको ये सब पता होगा कि ये सब चीज़ क्या है, ठीक है। दूसरा पेपर इसमें होगा जिसमें कि 250 मार्क्स का होगा, इसमें आपके तीन चीज़ पूछे जाएंगे। पहला जो होगा वो सर्जरी से होगा, फिर गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स से होगा, फिर प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन से होगा, ठीक है। इसमें कि आपके 120 नंबर के आपके यहाँ पे 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 एक प्रत्येक पार्ट से, यानी तीन पार्ट हो गए तो प्रत्येक पार्ट से कितना होगा क्वेश्चन, 40-40 होगा, ठीक है। तो 4×12 यानी 120 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। तो ये पेपर टू से होगा। पेपर टू का सिलेबस यहाँ पे देख लीजिएगा, सर्जरी का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है। फिर दूसरा है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, इसका सिलेबस यहाँ से है, ठीक है, यहाँ तक आपका, ठीक है। फिर तीसरा है आपका यहाँ पे प्रिवेंशन सोशल एंड कम्युनिकेबल कम्युनिटी मेडिसिन, इसका सिलेबस आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं पूरा सिलेबस को यहाँ से देखकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सिलेबस हो गया। तो सभी जानकारी जो यहाँ पे थी सिलेक्शन प्रोसेस सिलेबस का और एज लिमिट और तमाम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास हमने किया है। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जल्दी से जो महत्वपूर्ण और चीज़ है इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे क्या है आपका जो बात करते हैं, अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे लेवल 10 का सैलरी है स्टूडेंट्स, और आपका असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर का सैलरी है, ये जो है वो ग्रुप ए का पोस्ट है। आपको बता दें कि किसी भी ग्रुप ए के पोस्ट के लिए, यदि आप ग्रुप ए में आप यदि इंजीनियरिंग साइड से हैं, जो कि हम लोग का साइड है, इंजीनियरिंग आपका इंजीनियरिंग साइड है या फिर आपका मेडिकल साइड है या फिर कोई भी अदर साइड है, आपको जब भी ग्रुप ए का पोस्ट देना होगा तो डेफिनेट तौर पर आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देना कंपलसरी हो जाता है ग्रुप ए पोस्ट के लिए। पहले ग्रुप बी पोस्ट में भी इंटरव्यू लिया जाता था, लेकिन अभी क्या है उसको बंद कर दिया गया है, सिंपली एग्जामिनेशन बेसिस पे ही आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन ग्रुप ए पोस्ट में आपको इंटरव्यू देना जरूरी होता है, इस कारण से यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट को भी रखा गया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब सैलरी के बारे में। तो आपका जो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर है उसका सैलरी है लेवल 10 का है, जिसमें कि 56,000 से लेकर 177,000 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे इसमें फैसिलिटी हैं जो कि आपको दिए जाएंगे उस समय, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन जॉब होता है मेडिकल ऑफिसर का, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो भी आपके मेडिकल सर्टिफिकेट ये सभी और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि सिर्फ मेडिकल ऑफिसर ही करते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार से नीचे क्या है आपका मेडिकल ऑफिसर ग्रेड आपका ये जो है सब कैडर के लिए, इसके लिए आपका इसके लिए जो आपका सैलरी है वो कितना है, तो ये इसमें भी आपका लेवल 10 का ही सैलरी है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए है, इसमें है 56,000 से लेकर आपका 177,000, वही लेवल 10 का सैलरी है, ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है और सभी में इंटरव्यू होना है, ठीक है। जिसमें जो भी ग्रुप ए का पोस्ट है उसमें इंटरव्यू होना ही है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड टू का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के लिए। तो इसमें आपका कितना है आपका 5400 ग्रेड पे सेवन्थ पे कमीशन से, 56,100 से आपका लेवल 10 पे का, सिंपल ग्रेड ए का सैलरी है, ग्रेड ए का जॉब है, इसमें आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, उसके अलावे कोई दूसरा चारा नहीं है, आप इंटरव्यू से नहीं भाग सकते। ग्रेड ए का जो भी जॉब रहेगा तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को, तो हम जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया है हमने। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हमने जो भी वीडियो में बताया है इतना देखने के बाद शायद आपको मे भी कुछ डाउट रहे, नहीं तो आपको सारे डाउट जरूर क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।